हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लेकर आए कि ब्लूटूथ ईयरफोन हम कैसे जो है अनपेयर करें हमारे सैमसंग फोन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन कनेक्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ देखने को मिलेगा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ थर्ड ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ देखने को मिलेगा सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों जो है अनपेयर, अनपेयर पे क्लिक कर दीजिए, अनपेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसे ही देख सकते हैं हमारे ब्लूटूथ दोस्तों एयरफोन है वो अनपेयर हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट स्टेप के माध्यम से अनपेयर हो चुके हैं। मैं आपको सेकंड स्टेप के माध्यम से अनपेयर करना बताता हूँ वापस, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इसे पेयर कर लेते हैं। पेयर कर लेते हैं, वीडियो पॉज कर देता हूँ तब तक। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वापस पेयर कर लिए हैं। अब दोस्तों मैं जो है आपको दिखाता हूँ, आपको वापस जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सर्च, सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लिखना है ब्लूटूथ, यहाँ आपको इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आपको ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वापस की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको डिसकनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, जैसे कि हमारे दोस्तों जो ब्लूटूथ एयरफोन है वो डिसकनेक्ट, सॉरी अनपेयर हो जाएंगे हमारे सैमसंग फोन में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।